गंगा नदी बनती है नगी निकलती है, लेकिन हम लोगों ने गंगा नदी पे अत्याचार का हद पार कर दिया है। कुछ होता है इतना ना गंदगी फैला दी है गंगा नदी को कि गंगा नदी की भी अपनी एक क्षमता है। इस नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर है। इस नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को खा जाता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, खा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को खा जाता है बैक्टीरियोफेज नामक वह। लेकिन हम लोगों ने गंगा नदी पे अत्याचार का हद पार कर दिया है। कुछ होता है इतना ना गंदगी फैला दी है गंगा नदी को कि गंगा नदी की भी अपनी एक क्षमता है। सारा फैक्ट्री का पानी कहाँ डाल देते हैं, गंगा नदी। त्यौहार वगैरह में होता है तो त्यौहार में जो ठीक है जो चीज़ें गंगा नदी में, अब मान के अगरबत्ती जलाओ का खोखलवा का जरूरत है, फेंकला बिना वो सब ही फेंक देता है उसमें। अरे फूल पत्ती डाल दो कोई दिक्कत नहीं, गल के खत्म हो जाएगा। फूल पत्ती से कोई नुकसान थोड़ी होता है, वो तो नेचुरल चीज है। अब फूल पत्ती के में प्रसाद कहीं से खरीद के लाए तो डिबो डाल देता है। प्लास्टिक वगैरह ये सब चीज क्या जरूरत है डालने की यहाँ पर। गंगा को साफ करने से ज्यादा जरूरी गंगा को गंदा होने से रोकना है। लॉकडाउन में सारी नदियां साफ हो गई थी सर, इसका मतलब सबसे बड़ा समस्या हम ही लोग हैं। संकट है हम लोग पूरी दुनिया के लिए। लॉकडाउन में बहुत दूर तक प्रदूषण ना होने को हिमालय बहुत पहले ही से दिख रहा था, क्योंकि दूर बहुत साफ हो गया था लॉकडाउन की वजह से। आगे बढ़े, बांग्लादेश में हो गया। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। सबसे लंबी नदी? सबसे लंबी गंगा नदी तंत्र है, सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा का। बैक्टीरियोफेज गंगा में। गंगा को उत्तराखंड के लोग भागीरथी कहते हैं और बंगाल के लोग भी भागीरथी कहते हैं, यानी जहाँ से शुरू होती है भागीरथी और जहाँ खत्म होती है भागीरथी। अच्छा, हमारे शास्त्रों में भी गंगा को गंगा न कह के भागीरथी का क्या कहा गया है? भागीरथी। और गंगा नदी बनती है नगी निकलती है। हम उत्तराखंड जब आपको पढ़ा रहे थे वहाँ हम आपको डिटेल से बता दिए थे। तो बंगाल के लोग इसे क्या कहते हैं? भागीरथी। उत्तराखंड के लोग भागीरथी। गंगा नदी धार्मिक नदी है हमारे लिए, एक ठो शंकर जी के जटा से निकली। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना जो है ना हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर, हरियाणा और यूपी का बॉर्डर, दिल्ली टच करते हुए जाके मिलती है गंगा में। कहाँ से कहाँ पे मिलेगी ये? इलाहाबाद में। तो ये हो गया प्रयागराज। ये क्या हो गया? प्रयागराज। अब यहाँ से ये आएगी आप प्रयागराज में जाके मिल जाएगी। अभी ना कि मध्य प्रदेश में घुसा दे इसको। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर, यूपी हरियाणा का बॉर्डर, दिल्ली और उसके बाद पहले प्रयागराज। तो यहाँ पहले प्रयागराज को देखिए, बिहार से थोड़ा सा पहले 400 किलोमीटर पहले लगा दीजिए प्रयागराज पे एक डॉट, और इसको मिलाइए, ये होगी आपकी यमुना नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना नदी। यमुना नदी हाँ, बैक्टीरियोफेज सिर्फ गंगा नदी में पाया जाता, बाकी में पाया जा रहा था बता देते हम, बाकी में भी पाया जाता है। हाँ बताएं हैं, केवल किस में बताएं? गंगा में, केवल गंगा में पाया जाता है। उसका रीजन है क्या कि गंगा ना इतने पहाड़ियों के बीच से निकलती है, इतनी दुर्गम पहाड़ियों से, उसमें तरह तरह के जड़ी बूटी ये सब चीज़ें औषधि गुण मिलते रहते हैं। लेकिन गंगा नदी को अब हम लोगों ने इतना प्रदूषित कर दिया कि अब वो भी क्या हो गई है? दूषित हो गई है। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है ना जी, उसको जरूरत से ज़्यादा हम लोगों ने क्या कर दिया है? प्रदूषित कर दिया है। आगे बढ़ जाए, डॉल्फिन वगैरह भी तो गंगा नदी में पाए जाते हैं। लोग उसको मार के निकाल लेता है सर, डॉल्फिन को। बहुत सीधा जीव होता है डॉल्फिन। हाँ, अरे गधा कहीं क्या। ये गधा कह रहा है कि मुसल्लापुर हाट पे देखे हैं सब। अच्छा, घाट पे बोला, हमको लगा घाट पे बोला है। घाट बोला, हमको हाट सुनाई दिया है। कह रहा कि हाट पे देखे हैं मछली ऐसे उछलती हुई, तो बेचने वाला मछलियाँ लेके आता है सब। मुसल्लापुर हाट पे बोला था ये। हाँ अब बोला है घाट। हाँ, नदी में देखिएगा तो कभी कभी कूदते रहते हैं सब डॉल्फिन सब। नदी की डॉल्फिन काफी छोटी होते हैं सब, और समुद्र की डॉल्फिन मछली बड़ी साइज की होते हैं।